हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हाउ टू क्रिएट अ सर्च कैंपेन के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि एग्जैक्ट मैच एड ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सेम कैंपेन है सर्च जो हमने स्पोर्ट्स शूज के लिए बनाया था। इसमें हमने एक एड ग्रुप बनाया जिसमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स हमने डाले थे। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे एड ग्रुप की। तो क्या करना है गाइस, इस प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है नए एड ग्रुप के लिए, और थोड़ा सा नेट स्लो है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है गाइस। इसका जो नेमिंग करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे कि फ्रेज मैच एड ग्रुप है और ये है स्पोर्ट शूज का। तो यहाँ पे आपको जानना है, कीवर्ड्स हमने पहले की तरह निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पर। ये तो थे एग्जैक्ट के और ये हैं आपके फ्रेज के। तो फ्रेज में क्या नेमिंग क्या किस तरीके से डबल कोट्स के बीच में जो कीवर्ड्स होते हैं वो फ्रेज मैच के अंडर में आते हैं, और जो एग्जैक्ट होते हैं वो ब्रैकेट के बीच में आता है। वो कीवर्ड वो एग्जैक्ट होता है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ यही कीवर्ड जब यूजर ट्रिगर जब सर्च करेगा तो गूगल ट्रिगर करेगा आपके एड्स को या इनके क्लोज वेरिएंट को, जो मैंने बताया था कि वो सिनोनिम भी यूज कर सकता है। तो आपका स्पोर्ट्स शूज की जगह रनिंग शूज पे भी वो ट्रिगर करेगा, या शूज का जो सिनोनिम है फुटवेयर है तो वो स्पोर्ट्स। आपका इस तरीके से वो कोई अगर यूजर सर्च करता है स्पोर्ट्स फुटवेयर फॉर मैन, इस तरीके से अगर कोई सर्च करता है तो भी हमारा ऐड इस कीवर्ड पर ट्रिगर कर जाएगा। तो सर्च टर्म में तो बास्केटबॉल शूज हो गया और आपका स्पोर्ट्स शूज हो गया। शूज की जगह फुटवेयर हो सकता है, मैन की जगह और जो भी सिनोनिम बनेगा तो उस कीवर्ड पे हमारा ऐड ट्रिगर कराएगा गूगल। अब हम क्योंकि फ्रेज मैच को करने वाले हैं तो फ्रेज मैच के कीवर्ड से हमें इनको पिक करना है और इस तरीके से हम इनको यहाँ पर डाल देंगे, और कुछ नहीं करना है गाइस। इसको सेव एंड कंटिन्यू। सेम एड ग्रुप है, हम इसको इस तरीके से डन कर देंगे। साइट लिंक एक्सटेंशन हमने ऐड किया हुआ है, कैंपेन लेवल पे लगाया हुआ है, कॉल आउट एक्सटेंशन है, फिर कॉल एक्सटेंशन है, अगर फोन नंबर है हमारा तो इसको डन कर देंगे और इसको कर देंगे आप सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपका जो कैंपेन है वो हो जाएगा सेव। तो दो एड ग्रुप बन गए हैं। तो गाइज क्या होता है ना, फ्रेज मैच में क्या होता है, फ्रेज मैच में एक तरीके से और भी कीवर्ड और भी जो सर्च टर्म होते हैं उससे रिलेटेड वो भी आपके ट्रिगर कर जाएंगे। जैसे स्पोर्ट शूज में आपका ये भी आ जाएगा कि बाय स्पोर्ट शूज फॉर मैन और ऑनलाइन। तो इस तरीके के कोई कीवर्ड अगर आपका यूज होते हैं तो यानी कि जो इसके आगे है और पीछे है वो कोई भी वर्ड यूजर अगर ऐड करके उस सिस्टम को अगर सर्च करता है गूगल पे तो भी हमारा ऐड ट्रिगर हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, तो भाई अगर तो मेरा जो कीवर्ड है जो फ्रेज मैच में है तो फ्रेज मैच से ऐड ट्रिगर हो जाएगा अगर कोई सर्च करता है स्पोर्ट शूज फॉर मैन, और यही एग्जैक्ट से भी ट्रिगर होना चाहिए। तो क्या दोनों दोनों ही एड ग्रुप से मेरा ऐड ट्रिगर होगा जब मैं ये वाली टर्म स्पोर्ट शूज फॉर मैन सर्च करता हूँ? तो गाइज ये कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं स्पोर्ट शूज फॉर मैन अगर कोई सर्च करता है तो गूगल मेरे ऐड को यहाँ से ट्रिगर कराएगा, इस वाले एड ग्रुप से एग्जैक्ट से या फिर आपका फ्रेज से? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी चीज को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है गाइज, जो फ्रेज स्पोर्ट शूज का जो एड ग्रुप है उसके अंदर आप यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे ऑप्शन है नेगेटिव कीवर्ड्स का। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि नेगेटिव कीवर्ड में फ्रेज के जो एग्जैक्ट ग्रुप का जो फ्रेज का जो मेरा एड ग्रुप है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे एग्जैक्ट वाले कीवर्ड ट्रिगर ना हो इनको। मेरे को ये आप प्रैक्टिस बना लीजिए कि इसमें क्या करना है गाइज, आपको ये फ्रेज वाला जो एड ग्रुप है इसके नेगेटिव में डालने हैं अपने एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड हमेशा। ये आपको प्रैक्टिस फॉलो करनी है, जिसको कहते हैं नेगेटिव फार्मिंग ऑफ कीवर्ड्स। दिस इज अ टर्म विच इज कॉल्ड नेगेटिव फार्मिंग ऑफ कीवर्ड, ताकि ये कीवर्ड जो है मेरे ट्रिगर होने चाहिए सिर्फ एग्जैक्ट मैच से, और फ्रेज से मेरे होने चाहिए जो इनके अलावा जो कीवर्ड होंगे। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस में लाना है।
किस तरीके से आप अपने कैंपेन्स में नेगेटिव फार्मिंग करेंगे और उसको वर्थ इट बना सकते हैं। तो हमने ये जो प्रैक्टिस है इसीलिए की है ताकि हमारे जो कीवर्ड हैं एग्जैक्ट से एग्जैक्ट वाले ही हों, इसीलिए हमने वो एग्जैक्ट के जो कीवर्ड है उनको नेगेटिव में डाल दिया फ्रेज के, जिसे नेगेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो गाइज इसमें अभी तक यही है, और आप सेटिंग में जाकर देख सकते हैं एक बार सेटिंग्स को बिफोर टेकिंग योर कैंपेन लाइव। यू कैन चेक ऑल दी सेटिंग्स के, इसमें जो मैंने बताया था कि आपको डिस्प्ले नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे हमने फ्लिपकार्ट को एज एन एग्जाम्पल लिया, तो उसमें आपको जो गोल सेट करना है कैंपेन का वो करना है सेल्स। अगर सपोज आपका लीड से रिलेटेड यानी कोई एजुकेशन से रिलेटेड है जिसमें आपको लीड चाहिए, एक यूजर का डिटेल चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, यूजर नेम चाहिए, उसका सिटी, लोकेशन, एवरीथिंग, यू कैन टेक इट। तो उस केस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लीड का ऑप्शन। और वेबसाइट ट्रैफिक हम मेजरली ज्यादा यूज करते हैं जब आप कोई ब्रांडिंग कैंपेन करते हो, यू वांट अ यूजर टू विजिट ऑन योर वेबसाइट, उस केस में आप यूज कर सकते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, इसमें क्या है, नेटवर्क में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको सर्च नेटवर्क ज्यादातर यूज करना है। अगर आप बजट आपके पास ज्यादा और कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में ही आपको डिस्प्ले नेटवर्क सेलेक्ट करना, अदरवाइज आप सिर्फ सर्च नेटवर्क विद गूगल सर्च पार्टनर अपने कैंपेन्स को रन कीजिए। लोकेशन मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इंडिया को टारगेट कर रहे हो, अगर कोई बाहर से सर्च कर रहा है जो इंडिया के आउटसाइड है उसको ऐड नहीं दिखानी है आपको, तो बीच वाला ऑप्शन, अगर उसको भी ऐड दिखानी है तो पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश रखनी है क्योंकि आप इंडिया में टारगेट कर रहे हो, तो आपके जो यूजर हैं गूगल सर्च में हिंदी का भी यूज करते हैं। बजट कंपनी डिसाइड करेगी या आप एक मीडिया प्लान बना के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैंपेन, कितना कैंपेन आपके लिए क्रिटिकल है उसके अकॉर्डिंग आप बजट सेट करोगे। बिडिंग हो गया, बिडिंग कई तरीके की होती है, उसमें आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मैक्सिमाइज क्लिक है, वो सिर्फ क्लिक पे ऑप्टिमाइज करेगा। फिर आता है आपका मैनुअल सीपीसी पे भी आप कर सकते हो कि एक मैनुअल सीपीसी पे आप चलाओगे कि आप सीपीसी को कंट्रोल कर सकते हो इस केस में। ठीक है, टारगेट सीपीए, टारगेट रोआस, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजीज हैं। ये जब आप ट्रैकिंग पिक्सल प्लेस कर दोगे अपनी वेबसाइट में तब ये स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है। मैं आगे आने वाले वीडियोज में आपके लिए एक बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज आप और वीडियोज को हम रेगुलरली हम अपने वीडियोज डालते रहते हैं, तो आप हमारे और वीडियोस को इस चैनल पे जाकर मार्केटिंग ग्लैडिएटर पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोस। यहाँ पे आप जाओगे, हमने एसईओ से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस डाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड के आपको एक्सटेंशन, एक नया एक्सटेंशन आया है अभी रिसेंटली, ये न्यू अपडेट है, इमेज एक्सटेंशन को कैसे यूज करना है। और अगर आप अपने गूगल एड अकाउंट को परमानेंटली 1 मिनट में डिलीट करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। और काफी लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, तो दे वांटेड टू नो कि हम डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करियर बना सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे मिथ है, जो पूरा का पूरा एक मिथ बस्टर वीडियो हमने बनाया है 24 मिनट का, कि उसमें क्या क्या मिथ है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या प्रोफाइल होते हैं, कौन कौन से कंपनी हायर करते हैं, क्या सैलरी, कितनी सैलरी, क्या मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी विद प्रूफ के साथ हमने दिखाया हुआ है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी मिल सकती है कितने एक्सपीरियंस पे। और आज के लिए इतना ही, नए वीडियोज में मिलेंगे कुछ नए कॉन्टेंट के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।